हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मनोराज एपेटाइजिंग रेसिपीज़ में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ फलहार स्पेशल में मोरधन और छाछ आलू की रेसिपी। ये खाने में आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आप सब्जी चावल खा रहे हैं। तो चलिए अब हम इसे जल्दी से बनाना शुरू करते, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये देखिए दोस्तों, इसे मोरधन कहते हैं। आप लोग पता नहीं इसे क्या कहते हैं, कई लोग इसे समा के चावल, मोरधन, पलहारी चावल ये सब कहते हैं, और इंग्लिश में लिटिल मिलेट भी कहते हैं। यहाँ मैंने मोरधन लगभग एक कटोरी लिया है और उसे अच्छी तरह से पानी में वॉश कर ले रही हूँ। पलहारी खाना बना रहे हैं तो इसलिए सफाई का ध्यान हमें ज़रूर रखना है। वैसे हमें हमेशा ही हर एक चीज़ को साफ़ करके ही इस्तेमाल करना चाहिए। ये देखिए, मैंने मोरधन को अच्छी तरह से धो लिए हैं। अब मैंने जितना मोरधन लिया है उससे लगभग 2.5 गुना पानी इसमें डालूंगी। मैंने यहाँ पे लगभग 1 कटोरी मोरधन लिया था, तो मैं यहाँ पर लगभग 2.5 कटोरी के करीब पानी ले रही हूँ। यदि आपके पास समय है तो आप इसे भीगने के लिए रख दीजिए, वरना आप इसे सीधे भी बनाएंगे तो भी ये अच्छी तरह से बन जाएंगे। जब तक हमारे मोरधन भीग रहे हैं तब तक मैंने यहाँ एक मिक्सी के जार में लगभग 2 से 3 हरी मिर्ची ली है और थोड़ा सा धनिया लिया है। ये हमारे छाछ आलू में जाने वाले हैं। अब ऐसे मैं ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं, बिल्कुल दरदरा सा मिक्सी में चला लूँगी। आप चाहें तो इसे कूटने में भी कूट सकते हैं। ये देखिए, ना मैंने ज़्यादा बारीक पीसा है इसे, ना ज़्यादा मैंने इसे मोटा रखा है। चलिए फिर से हम मोरधन पर आ जाते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक कुकर चढ़ाया है और उस कुकर में लगभग 1 चम्मच के करीब मैं घी ले रही हूँ। यहाँ मैं ज़ीरा राइस टाइप मोरधन बना रही हूँ। आप चाहे तो इसको सादा भी बना सकते हैं। मोरधन आपका बिल्कुल चावल के जैसा होता है। जो जो रेसिपीज़ आप चावल से बना सकते हैं वो सारी रेसिपीज़ आप मोरधन से बना सकते हैं। यहाँ तक कि आप इससे डोसा भी बना सकते हैं, और वो डोसा साथ में मूंगफली की चटनी की रेसिपी मैं आप लोगों के लिए जल्द लेकर आने वाली हूं। इसीलिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। घी गर्म होने पर आप इसमें डाल दीजिए थोड़ा सा ज़ीरा। ज़ीरे को अच्छी तरह से तड़कने दीजिए। अच्छे गर्म घी में आप डालेंगे तो आपका ज़ीरा बहुत ही अच्छे से फूटेगा, फूलेगा। एक बार जब ये अच्छी तरह से तड़क जाए तो अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे भीगे हुए मोरधन। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा मैंने इस नवरात्रि 9 दिन के लिए 9 अलग अलग तरह के फलहारी रेसिपीज़ में लेकर आ रही हूँ। इससे पहले मैंने और भी फलहारी रेसिपीज़ जैसे साबूदाना खिचड़ी, साबूदाना खीर, साबूदाना से बना चीला, ऐसे कई सारी रेसिपीज़ मैंने उसमें डाली हैं। तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इसी के साथ साथ मैं नवमी भोज के लिए बिना प्याज लहसुन इस्तेमाल किए छोले पूरी और हलवा या खीर की रेसिपी आप लोग के लिए लेकर आने वाली हूँ। तो आप ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मोरधन के बघार लगने के बाद अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट या पलहारी नमक, जो भी आप इसे कहते हैं वह नमक हम इसमें डाल देते हैं। अब मैं इसे कुकर में अच्छी तरह से सीटी लेकर के पका दूंगी। आप चाहें तो इसे तपीले में भी पका सकते हैं। इसे पकाने के लिए कुकर की ज़रूरत होगी या ज़्यादा ही आपको प्रेशर देना होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये लीजिए, हमारा मोरधन तो समझिए कि रेडी हो गया है। अब हम आते हैं हमारे छाछ आलू की रेसिपी पे। यहाँ पर अब मैंने एक कढ़ाई के अंदर लिया है लगभग 1 चम्मच के करीब घी और उसे गर्म करने के लिए रख दिया है। अब घी के अच्छी तरह गर्म हो जाने पर मैंने इसमें डाला है ज़ीरा। ज़ीरे के बाद मैं इसमें डालूंगी जो हमने एक पेस्ट तैयार किया था, वो हरी मिर्ची और धनिया वाला जो पेस्ट है उसे मैं इसमें डालूंगी। आपकी हरी मिर्च और धनिया दोनों ही सॉफ्ट है, उसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए उस मसाले को डालकर मैं इसमें तुरंत उबले हुए एक आलू को मैश कर देती हूँ। इसे आप कढ़ी की तरह भी बना सकते हैं। धनिया, मिर्च,
छाछ और आलू सबको एक साथ लेकर के अच्छी तरह से मैश करके घोल तैयार कर लीजिए और उसे गर्म करने के लिए रख दीजिए। साथ में फिर उसमें तड़का लगा दीजिए तो भी आपके छाछ आलू बहुत अच्छे बन जाएंगे। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसे ठंडा होने के बाद ही इसमें हम दही या छाछ डालेंगे, वरना वो हमारा दही या छाछ जो है वो पक जाएगा। इसी आलू में यदि आप नमक डालेंगे तो आपकी एक बढ़िया सी फलहारी आलू की सब्ज़ी भी तैयार हो जाती है, जिसे आप सिंघाड़े की पूड़ी या राजगीरे की पूड़ी के साथ में खाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार लगेगा। लीजिए, हमारे आलू भी ठंडे हो गए हैं तो मैंने इसमें ब्लेंड किया हुआ मेरा हल्का सा ब्लेंड किया हुआ छाछ या दही इसमें डाल रही हूँ। अच्छी तरह से हिलाने के बाद अब हम इसमें नमक डालेंगे और हमारा छाछ आलू रेडी है। तो दोस्तों, तैयार मोरदन के साथ इस छाछ आलू को सर्व करिए, खाइए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। इस नवरात्रि ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो अब मैं अगले रेसिपी के साथ आपसे फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अलविदा, टाटा, बाय बाय।